पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। कौन है तू? हेलो दोस्तों, सलमान और उनके बहन हुई आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल टू थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे कलेक्शन के तौर पर लगभग 4.5 करोड़ की कमाई की और उसके तुरंत दूसरे दिन ही कमाई ने रफ्तार पकड़ा और लगभग 6.8 करोड़ की कमाई की। तो कुल मिलाकर दो ही दिनों में इस फिल्म ने 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया। वैसे ये तो थी बस शुरुआती कमाई की, लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो है वीकेंड की कमाई की, क्योंकि किसी भी फिल्म के लिए वीकेंड बहुत ही ज्यादा खास होता है। तो आपको बता दें कि फिल्म अंतिम ने अपने पहले वीकेंड पर 17 करोड़ की कमाई की है, जो फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वीकेंड ने अंतिम के मेकर्स को खुश कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये तो था पहला वीकेंड, लेकिन ये फिल्म आगे के 2 से 3 हफ्तों तक तो अच्छी कमाई की उम्मीद कर ही सकती है। वैसे लंबे समय बाद सलमान खान की कोई मूवी उनके फैंस को देखने को मिली और ऐसे में उनका एक्साइटेड होना तो लाजमी है। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ है जहां देखा जा रहा है कि थिएटर्स में अंतिम चल रहा है और कुछ लोग फटाके फोड़ते हुए नजर आए हैं। जैसे ही ये वीडियो सलमान खान तक पहुंची, तुरंत उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और जहां उन्होंने अपने फैंस से कहा कि उनका एक्साइटेड होना इस फिल्म के लिए तो गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हरकत करना जिससे किसी और को नुकसान पहुंच सकता है ये काफी ज्यादा गलत है। और साथ ही उन्होंने थिएटर्स के मालिकों के लिए भी कहा कि उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि थिएटर्स में कोई भी फटाका का यूज ना करे। और अगर बात करें फिल्म अंतिम की तो ये मराठी है फिल्म मुंशी पैटर्न का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में आयुष शर्मा एक विलन के रूप में नजर आए हैं तो वहीं सलमान खान बने हैं पुलिस वाले। इस फिल्म का संगीत एक मराठी म्यूजिशियन जोड़ी अजय अतुल ने दिया है, वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया है महेश मंजरेकर ने और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। तो आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड को सब्सक्राइब करें।